ये आपने यहां पर ये पूरा वैल्यू जो आ गया ये 1075 का वैल्यू आ गया। अब आपने इसको सिंपलीफाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम रूट थ्री, वन प्लस ऊपर नीचे रूट थ्री से इंक्लूड किया तो रूट थ्री, नीचे सेम वैसे वन बाय वन माइनस वन बाय रूट थ्री, फिर से इसका भी एलसीएम लिया रूट थ्री, रूट थ्री माइनस वन, ये हो गया 1075। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे रूट थ्री कैंसिल, तो यहाँ आया रूट थ्री प्लस वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रूट थ्री माइनस वन, ये आपका आंसर आया टेन ऑफ 75। अगर चाहो तो उसको रेशनलाइज करने के लिए माइनस है तो प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे इनटू, तो रूट थ्री प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, तो रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन करना कर सकते हो, थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू, थ्री प्लस वन फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू से अलग अलग डिवाइड है टू प्लस रूट थ्री, ये आंसर आया 1075 का जब ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ, एग्जाम में आपको फॉर्मूला दिया होगा, उस फॉर्मूले को यूज करके ए और बी पहले सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा लेना है ए और बी, उसको फिर टेबल देखकर वैल्यू डालना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करते ही उसका आंसर आ जाए। जैसे मैं एक और क्वेश्चन इसके इसी जैसा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको दिया है, आपको फॉर्मूला ए माइनस बी दिया है, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, क्वेश्चन दिया आपको टेन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप ए और बी में क्या सिलेक्ट करोगे इन एंगल के बीच में से, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 माइनस 45 15 होता है, या 45 माइनस 30 करो तो भी 15 आता है, तो आप ए और बी में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, तो आपने यहां लिखा 10 60 माइनस 45, तो जहां ए लिखा होगा आप 60 पुट करोगे, जहां बी लिखा होगा 45, 10 60 माइनस 10 45, 1 प्लस 10 60 इनटू 10 45, इसके बाद ये टेबल देखा 10 का टेबल, 1060 का वैल्यू रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री डाला, 1045 के लिए 1 डाला, 1 प्लस रूट थ्री यहाँ 1, और इसको सॉल्व करते 1015 का आंसर है, भले आप यहाँ 45 माइनस 30 डालो सेम आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वर्कशीट को उसी से रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और टेबल आपको मैंने बना के दिया है, अगर आपको टेबल भूल गए हो तो मैं टेबल लिख के भी दे दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन है सर, एक बार टेबल फिर से लिखवा दो ना, लिखा दे दो, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 105 डिग्री, 105 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना इसके थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए cos b minus sin, सर ऊपर क्या दिया है सर, sin a plus b वाला, ये फॉर्मूला दे sin a plus b का, ये फॉर्मूला है आपको ये एग्जाम में दिया हुआ होगा, और उसके बाद बोला sin of 105, 105 में a और b आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 0 30 60 45 90 में किसको प्लस करने से 105 आता है, और वो a और b सिलेक्ट करके भी टेबल यूज करना है, उसमें से वो आंसर निकालना है। इधर आपको cos of अरे ऊपर वाला दिया होगा आंसर, हाँ ये कंपलसरी दिया होगा, आपको cos of 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब टेबल है देखो 0 30 60 और 45 60 90, यहाँ साइन का वैल्यू साइन थीटा 0 हाफ 1 बाय रूट 2 रूट 3 बाय 2 1, cos थीटा की वैल्यू रिवर्स में 1 रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, जीरो। अब ये टेबल यूज करके ये दो आंसर मेरे को निकाल के देगा फटाफट, क्या आंसर आ रहे हैं चेक करो, पहले बताओ ए और बी में क्या सिलेक्ट करोगे, सोच के बताओ,
सर 60 एंड 45 वेरी गुड ए पे 60 डालो यहां बी में 45 60 45 पे साइन 105 आ जाए फिर टेबल देखो साइन ऑफ 60 की वैल्यू कॉस ऑफ 45 की वैल्यू कॉस ऑफ 60 वैल्यू 74 टेबल से देखते हैं आंसर लिख के सिंपलीफाई करो सेम वैसे आप कॉस 15 सिलेक्ट करो देखो क्या क्या आएगा फटाफट करो टेबल आपको खुद बनाना एग्जाम में लर्न करना और पुट करना आंसर एग्जाम में नहीं मिलेगा इसमें फिर कैमरा ऑफ होगा सर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना जरूरी होता है हाँ बेटा डिनोमिनेटर तो आप 9 से ही सीख रहे हो रैशनलाइजेशन कंपलसरी है इसमें कैमरा ऑन करो बेटा क्या हुआ तुम लोग कैमरा ऑफ करके क्या करते हो मेरे को पता नहीं चलता वंस क्या कर रहे हो बताओ वंस कहां दिख वंस दिख रहा है वंस तुम्हारी कॉपी का है पेंसिल सॉल्व करो और सॉल्व करो टेबल से देख के वैल्यू लिख के आंसर फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट का है किस किस को समझ में नहीं आया ये ए और बी में देखो 105 है 45 प्लस 60 करने से 105 आ जाता है तो अब ये दो एंगल से लेकर यहां देखो ये साइन ए पे आपने सेलेक्ट किया 45 प्लस 60 ये 45 बी ये 60 ए भी ये 45 बी ये 60 साइन 45 तो साइन के जगह 45 पर बाय रूट यहां पर बाय रूट डाल देंगे cos 60 बोला तो cos के टेबल में 60 देखा 1 by 2 1 by 2 डाल cos 45 देखा 1 by 2 into sin 60 देखा root 3 by 2 तो इसका आंसर आया 1 plus root 3 by 2 root 2 रेस्पेक्ट किया root 2 plus root 6 upon root 2 root 2 root 2 जब ये आंसर आपका फर्स्ट का है sin 45 का वैल्यू देखो कितना आ रहा root 6 plus root 2 upon 4 हो गया सर अच्छा 15 में कौन सा सिलेक्ट करेंगे a माइनस b a फार्मूला वंस बताओ a और b में क्या सिलेक्ट करोगे आप वंस बताओ फिर कैमरा ऑफ कर दिया वंस कैमरा बेटा ऑफ नहीं रखना है वंस बेटा कैमरा ऑन रखो और मेरे साथ डिस्कस करो बताओ a और b में क्या सिलेक्ट करोगे वंस बेटा कुछ बोलोगे नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे आपकी मर्जी है बताओ स्मिथ ए और बी में क्या रखेंगे हम जिसका डिफरेंस 15 आया प्रीतम बताओ इनमें से कौन से है जिसका डिफरेंस 15 आ रहा है 60 माइनस 45 60 सर आप म्यूट हो नहीं दे रहा है बस यहां पे टेबल यूज करके cos 60 into cos 45 माइनस sin 60 into sin 45 आप इवन दो 45 माइनस 30 भी ले सकते हो cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30 आराम से आपके आंसर निकल जाएंगे देखो कितना आंसर आया और चेक करके मुझे बताओगे सर आ गया आंसर ये आ गया समझ में कांसेप्ट ठीक है देखो मैं ये करके दे दूं आप लोग चेक कर लो आपके आंसर मैच हो रहे कि नहीं तो आपने यहां लिखा cos 60 माइनस 45 ए में 60 पुट किया क्योंकि ये ए और ये बी है cos माइनस sin 60 sin 45 cos 60 टेबल से देखा 1 by 2 cos 45 टेबल से देखा 1 by 2 इक्वल हो गया sin 60 देखा टेबल से 3 by 2 into sin 45 देखा 1 by root 2 तो 1 upon 2 root 2 minus root 3 upon 2 root 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 2 root
सिक्स रूट सिक्स माइनस रूट टू अपॉन फोर। नहीं मेरा भी रॉन्ग आंसर है। देखो इसमें आप देखोगे ये अच्छा रूट सिक्स माइनस रूट टू आ रहा है, एक मिनट देख लो।
cos 60 का वैल्यू हाफ रूट टू। अच्छा हाँ मैंने ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंग सही हो, राइट है ये। एक्चुअली इसका फॉर्मूला मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ प्लस आएगा, मैंने गलती हुई, रूट टू प्लस रूट सिक्स अपन फोर। चलो ठीक है, वो तुमने जो फॉर्मूले सबसे सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार ध्यान से देखना। अच्छा ये कंसेप्ट आपको आ गया, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना क्या क्या प्रूव करना है उसके अंदर। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब क्या क्या करोगे, ए और बी को स्प्लिट करोगे आप लोग ए और बी में, जिससे ए प्लस बी। हेलो सर, 60 60 सर 90 30 ले सकते हैं, दोनों को सेम एंगल ले सकते हैं, 60 प्लस 60 तो साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 60, बस उसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो उसका। चलो नेक्स्ट मिनट या किस मंदिर ध्यान का साइन 60 प्लस 60 इज साइन 60 कॉस 60 प्लस 60 साइन 60। साइन 60 इज 3 बाय 2 इनटू 1 बाय 2 by 2 into root 3 by 2, root 3 by 4 plus root 3 by 4, root 3 plus root 3 by 2 and root 3 by 4, root 2 answer, root 3 by 2 is the answer, sine 120 का answer root 3 by 2, बच्चे आगे समझ में आता है कैसे यूज करना है, ए और बी में क्या करना है, क्लियर हुआ तुमको? सर आपने सिर्फ वो साइन और कॉस की वैल्यू डाली है ना सिर्फ। अरे नहीं, ए और बी सिलेक्ट करना, एग्जाम में पूछते हैं ए बी में क्या पुट करें जिससे साइन 120 का आंसर हो, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखो, आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, आपको बीसी और एसी साइड फाइंड करना और ये एंगल फाइंड करना है। कभी भी एग्जाम में सॉल्व का मतलब होता है सारे एंगल ढूंढने जो अननोन है और सारी साइड ढूंढनी जो अननोन है, जैसे आपको एसी साइड और बीसी साइड ढूंढनी है और एंगल ए ढूंढना है, ये आपको तीन चीजें ढूंढना इसका सॉल्यूशन है। अच्छा बता सकते हो एंगल ए कितने डिग्री का होगा? वंस नहीं पता, योगराज तुम बताओ। 50 डिग्री का, दूसरा बचा बोला एंगल सी का सम 180 होता है, एंगल ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, एंगल बी 60 और सी 90, तो एंगल ए का आंसर आया 180 - 150 = 30 डिग्री, तो ये एंगल आपको नोन हो गया। चलो ठीक है, तो एंगल ए आपको पता चल गया, ये सॉल्यूशन 30 आ गया। अब आता है आपको बीसी साइड ढूंढना है और एसी साइड ढूंढना है। देखो अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक बताऊं, आपकी आईज यहां पर है तो इसके सामने ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, आपको साइड पी दिया हुआ है और आपको ढूंढना है बी, तो आपने पी और बी का रेशियो निकाल लिया पी बाय बी, जो साइड दी और जो साइड फाइंड कर दी। चलो पी बाय बी का रेशियो होता है, बताओ पी बाय बी रेशो क्या होता है, पी बाय बी रेशो क्या होता है, मैं आपको बिल में लर्न करना सिखाएगा, 10 थीटा पी बाय बी 10 बी बाय बी कॉट, तो आप यहां सारे रेशो लिख लो, पी बाय एच साइन थीटा, पी बाय एच कॉस थीटा, पी बाय बी 10 थीटा और इसी जोड़े एच बाय पी और पी बाय एच और b by t, ये आपका cos theta, sec theta, cot theta, बेटा ये लर्निंग हो गया, आपको कैसे पता होगा, तो b by t आपका क्या है, theta का मतलब था आपकी eyes, तो आपकी eyes 60 degree पर है, तो tan 60 लिख दिया, b की जगह क्या पुट करोगे 5 cm, b की वैल्यू आपको ढूंढनी है, tan 60 टेबल से आपको देखना है, तो tan 60 root 3 होता है, तो 5 upon root 3 करने से b का वैल्यू आ गया, उसको रेशनलाइज किया, तो 5√3/3 ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 5√3/3 ये आपका बेस आ गया। अब आपको ये h ढूंढना है तो पाइथागोरस से भी ढूंढ सकते हो या रेशियो से भी ढूंढ सकते हो,
जब p नोन है और आपको h फाइंड करना है तो आपने यहां लिखा p by h। बताओ विधि p by h कौन सा रेशियो होता है, विधि p by h कौन सा रेशियो? देखो अरे p by h साइन होता है, साइन साइन साइन, हां हां साइन साइन, हमें दिखते हैं कोई लॉ नहीं है, उल्टे सीधे बोलो साइन ऑफ एन आइस क्या 60 डिग्री पर, साइन थीटा, थीटा यानी आइस और p और h यानी साइन हो गया, p की जगह आपने 5 डाला, h आपको ढूंढना है sin 60 टेबल से रूट 3 बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई tan इज रूट 3 h और h की वैल्यू tan अपॉन रूट 3 रेसलाइज किया तो tan रूट 3 अपॉन 3 तो ये आपकी थर्ड साइड tan रूट 3 अपॉन 3 आ गई। तो सारी साइड्स पता चल गई और एंगल पता चल गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। सर हम लोग ऐसे 5 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं सर इसको, इसको इसको 5 अपॉन रूट 3 रेसलाइज करना पड़ेगा इसको बेटा। हाँ तो सर 5 अपॉन रूट 3 आएगा सर, उसमें 10 अपॉन रूट 3, इसमें 10 रूट 3 अपॉन 3 आया, रेसलाइज किया ना 10 अपॉन रूट 3 आया, इसका रेसलाइजेशन रूट 3 से ऊपर नीचे इनटू करने से 10 रूट 3 अपॉन 3 आया, तो ये आपकी थर्ड साइड फाइंड हो गई। मैं इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करके, मेरे को देना है उसकी साइड साइन वर्सेस साइन 60 से नहीं समझ आ रहा था, इसी से नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी रेशियो लेकर ले सकते हो। जैसे आप ये देखो ये राइट ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, इसमें आपको ये साइड दिए है 4, ये आपको 8 और ये साइड फाइंड करना और सारे एंगल्स ढूंढने, ये एंगल तो आपको पता 90 दिया हुआ है, एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, एंगल पी की वैल्यू क्या होगी, ये साइड की लेंथ क्या होगी, समझ में आया? अब इसमें से कोई एंगल ये 90 है, बाकी दो एंगल आपको गायब है, तो सबसे पहले आप क्या करो किसी एक अननोन एंगल को आप थीटा ले लो, आर ले लिया, इसके अकॉर्डिंग ये पी, ये बी और ये एच हो गया, आपको पता है ये दोनों साइड जो नोन है उन्हीं का रेशियो लो, उसमें पहले आपने ये पी और नीचे एच लिखा, पी बाय एच का रेशियो होता है साइन और एंगल आपने आर रखा है क्योंकि आर पर आपकी आई है साइन ऑफ आर, पी की जगह आपने 4 पुट किया, एच की जगह आपने 8 पुट किया, साइन ऑफ एंगल आर लिखा आपने। अब देखो 4 बाय 8 1 बाय 2 होता है, यहां लिखा 1 बाय 2 इज साइन ऑफ एंगल आर, अब साइन के टेबल में देखो हाफ कब आता है, देखो थीटा 0 30 साइन 30 45 साइन ऑफ व्हिच एंगल इज हाफ, साइन के टेबल में कितना आता है हाफ, साइन 30 साइन 30, तो आर की वैल्यू अपने आप ही 30 आ गई, अगर यहां 30 डिग्री होगा तो साइन 30 करने से हाफ आ जाएगा, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री आ गया, सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि आपका जो रेशियो बन रहा है p / जो 1/2 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली साइन 30 आ जाएगा। साइन ऑफ व्हिच एंगल साइन के टेबल में देखो हाफ कब आता है, तो यहां 30 पुट करने से हाफ आ रहा, तो r का 30 आ गया। अब आप p ढूंढ सकते हो आराम से, आपको पता p plus r plus q का सम 180 है, p की वैल्यू अननोन, r की वैल्यू 30, q आपको फाइंड करना होगा, p आपका 90 is 180, तो q का 120 180 में से माइनस किया 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल आ गया। अब रहा ये वाली साइड ढूंढनी है, तो p नोन है और b नोन है, h और bb आपके पास है, दो रेशियो या तो p by b करो या b by h करो, क्योंकि आपको एक जो फाइंड करना है उसको किसके साथ कंपेयर करना है, दो साइड नोन है उनके साथ, तो आपने यहां लिखा p by b, विधि बताओ p by b कौन सा रेशियो है, नहीं विधि नहीं अंजलि तुम बताओ, अंजलि p by b 10 थीटा, p by b 10 थीटा है, क्योंकि p और b देखो p आपका नोन है और b नोन है अननोन है, तो इधर 10 लिखोगे, थीटा में कितना है 30 क्योंकि हमने थीटा फाइंड कर लिया है, p के लिए आपने 4, b फाइंड करना है 10 30 टेबल से देखा 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4√3 इज b, तो ये वाली साइड अपने आप ही 4√3 आ जाएगी, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ये ढूंढ सकते हो बिना रेशियो निकाले, क्योंकि दो साइड पता है तो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस, आपके पास पाइथागोरस एक ऑप्शन है, या आप रेशियो ट्रिग्नोमेट्री से भी आप फाइंड कर सकते हो। बेटा आप लोगों को समझ आया, किसी को कोई डाउट है मैं दोबारा रिपीट करूं,
नो सर साइन ये वाला से देखो इसमें पी एच दिए जब भी एंगल ढूंढना है तो जो साइड गिवन उन्हीं का रेशियो ले लो पी बाय एच एक्चुअली साइन होता है और आपकी आईज आर पर है क्योंकि आपने पी एच आर के हिसाब से डिसाइड किया आर लिखा पी के 4 बाय 8 1 बाय 2 साइन के टेबल में देखा 1 बाय 2 का बाद 13 तो आर का वैल्यू अपने आप ही 30 आ गई अब ये 30 ये 90 सम एंगल प्रोबेबिलिटी 60 आ जाएगा तो तीन दोनों एंगल पता चल गए अब ये थर्ड साइड है दो साइड पता है तो पाइथागोरस से भी आ सकता है या P और B का रेशियो लिया P by B 10 होता है 10 एंगल तो हमने 30 ढूंढ ही लिया है टेबल से 10 30 देखा 4 और P का वैल्यू 4 दिया हुआ है B आपको ढूंढना क्रॉस मल्टीप्लाई करके P का वैल्यू 4 रूट 3 तो आपको ट्रायंगल की सारी साइड्स भी पता चल गई और सारे एंगल्स भी पता चल गए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाओ अब मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा आप लोग मेरे को इसके वैल्यूज कैलकुलेट करो देखो क्या दिया है एक राइट ट्रायंगल दिया है जिसमें आपको पी क्यू आर ये 90 डिग्री ये 45 डिग्री और ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर ये दोनों साइड गायब है और ये एंगल गायब है फर्स्ट आपको पी क्यू साइड फाइंड करना है पी आर साइड फाइंड करना है एंगल पी फाइंड करना है चलो ये कैलकुलेट करो फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं चलो सब लोग एक मिनट भाई युवराज कैमरा क्यों नहीं ऑन किया है युवराज कैमरा ऑन करो बेटा सुदर्शन प्रीत सब लोग बंद करके बैठ गए हैं क्योंकि मेरे को रिपोर्ट मिली है बहुत स्कूलों से बच्चे कैमरा ऑफ करके नीचे पबजी खेलते रहते हैं हैं जी तुम पबजी खेलते हो मैंने सुना है नहीं देख सर आगे आंसर मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे पबजी खेलता रहता नीचे बैठ के सर आंसर आ गया अरे प्रीत तुम खेल रहे हो पबजी इसलिए कैमरा ऑफ कर रखा है प्रीत कैमरा ऑन करो नहीं तो मैं यही सोचूंगा पबजी खेल रहे हो कैमरा ऑन करो प्रीत कैमरा ऑफ है सर आंसर आ गया देखो इसका आंसर क्या आ रहा है चेक करो फटाफट हाँ जी तो आगे आंसर इसका यस सर ये एंगल 45 आ गया आपका 90 यस सर ये 45 डिग्री अब ये साइड ढूंढना देखो इसको तुमने आईज बना लिया तो ये पी 90 था मैच और ये बी आपको ये पी ढूंढना है और बी गिवन है तो पी बाय बी का रेशियो ले लिया पी बाय बी 10 और एंगल 45 B की जगह आपने अननोन B की जगह आपने 3 पुट किया 10 45 टेबल से देखना 10 के टेबल में 45 डिग्री पर कितना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आंसर 3 तो इसका आंसर 3 आ गया 3 3 फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी डायरेक्ट ढूंढ सकते हो द्वारा ट्रिगो की जरूरत नहीं है टी रूट 2 आ सर बेस गिवन था हां बेस 3 दिया था ना ये 3 सर हां बोलो सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया हाँ आइसोस्केलेस है मैं काम मना कर रहा हूँ 45 45 हो गया ये तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ये 3 3 फिर पाइथागोरस से भी आप ये ढूंढ सकते क्योंकि ये हाँ अच्छा तुम डायरेक्टली 3 ढूंढ सकते हो बिल्कुल सही है वो डायरेक्टली भी ले सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो मैं तो ट्रिगो का एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ट्रिगो कैसे अप्लाई करना
कि p by b का रेशियो 10 होता है, तो 10 कैसे यूज करना है, ठीक है सर। अभी इसके आगे क्या करेंगे अगर p by b 10.45 किया फिर? तो 10.45 1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p का आंसर 3 आ गया। सेम वैसे पाइथागोरस से देखो, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 18 इज h स्क्वायर, h इज रूट ऑफ 18, 9 टू 18, 9 का रूट 3, 3 रूट 2, तो पाइथागोरस से 3 रूट 2 डायरेक्टली पता चल गया। तो फिर से तुम्हें मैं बता देता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखो इसी तरह का मैं दे रहा हूं। एक आपको राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां एंगल आपको ये दोनों एंगल गैप है आपको, ये 90 डिग्री ए बी सी, और ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है और 15, एक मिनट, 15 दिया है, जस्ट वेट, जस्ट 15 नहीं, दूसरा ले लेते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाए हम लोग। ये 10, ये 5, और ये वाली साइड आपको ढूंढनी है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये डैश, ये दोनों एंगल क्या है, ये साइड क्या है, ये आपको तीन चीजें ढूंढनी है। और ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर यूज करना है, सारे रेशियो दिए हुए हैं, कोई बात नहीं गलत निकलेगा ज्यादा से ज्यादा, बस इतना टेंशन मत लो। सबसे पहले सोचो ये दो साइड है पाइथागोरस का, ये निकल जाएगा, वो बहुत आसान काम हो गया। अब ये एंगल्स कैसे ढूंढे, ये तो 90, बाकी एंगल कैसे ढूंढे, ये थोड़ा सोचो। कर सकते हो कोई बात नहीं, दो मिनट सोचो, नहीं आएगा फिर अपने डिस्कस करते हैं। सर ये एंगल भी 30 आ जाएगा? हाँ ये 30 आ जाएगा, क्योंकि पी बाय एच का रेशियो 1/2, साइन ऑफ 30 हाफ होता है, ये 30, ये 60, ये 90 हो गया, बहुत आसान हो जाएगा। और पाइथागोरस से आप ये ढूंढ लोगे तो तीनों साइड पता चल गई। देखो अगर नहीं पता चलो, इस एंगल को तुम थीटा मान लो, एंगल बी को, इसके सामने ये पी, ये एच, ये डी हो गया। आपने लिखा एंगल टैन ऑफ एंगल बी इज पी बाय, टैन का मतलब पी बाय बी, अभी ये अगर पी बाय एच तो साइन लेना पड़ेगा, पी बाय एच का रेशियो साइन, साइन ऑफ एंगल बी इज पी बाय एच, साइन ऑफ एंगल बी इज पी का वैल्यू 5, एच का 10, 1/2, तो साइन के टेबल में 1/2 कब आता है ये देखो, साइन के, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, तो बी का वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगा टेबल में, देखो साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, 30 डिग्री, तो बी का वैल्यू अपने आप ही 30 आ गया, बी नोन हो गया, 90 बता सम एंगल प्रॉपर्टी से, ये 60 आ जाएगा। अब 60, 90, 30 पता चल गया, फिर पाइथागोरस से आप ये ढूंढ सकते हो, या p by b का रेशियो ले लो, p by b is 10, पाइथागोरस नहीं करना है, ठीक है, 5 का b आपको ढूंढना है, 10 30 टेबल से जगह 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 5/3 is b, तो ये अपने आप ही 5/3 आ गया। अगर आप पाइथागोरस नहीं करना चाहते, ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते तो उससे भी निकल जाएगा, पाइथागोरस से भी निकल जाएगा। सर इसको तो अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास दोनों लॉजिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी है, पाइथागोरस भी, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रेशियो, मतलब रेशियो तो सारे पूछो, कोई भी लेके कर सकते हैं, आपने बोला ना एक रेशियो से, मतलब कोई भी रेशियो आप सिलेक्ट, लेकिन आपको अगर आप पी और, सॉरी, आप एच और बी का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप उसमें सेक ही ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने एच बाय बी के लिए कॉस ले, गलत आंसर देगा, रेशियो प्रॉपर होने चाहिए, उसी हिसाब से आप साइको फाइंड करो। इसके क्या ये बुक में क्या एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें दो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जिससे आपको एक नॉलेज मिले। आज ये वर्कशीट जिसके टेस्ट, उनको तो मैं इतना प्रेशर नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग प्लीज टेक्स्ट वो जो वर्कशीट दी है पूरी खत्म कर दो, इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 खत्म करना है, 8.1 8.2, इतना होमवर्क है तुम्हारा। और आप लोग काम नहीं करो, आज देखो तुम्हारे घर में फोन जाते हैं जिससे काम नहीं लिखा, सिर्फ मैंने केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम उनको मैंने छूट दी हुई है, बाकी सब लोग मस्ती कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? सर मेरी भी एग्जाम है। ये तेरी कोई एग्जाम नहीं, तेरा ट्रिगो सिग्नल, तू मेरी जान निकाल चुकी है सर, ट्रिगो सिग्नल।